ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम गणित विषय का अध्ययन कर रहे थे और उसके अंदर हम भिन्न संख्याओं के बारे में चर्चा कर रहे थे, कल हमने जो किया वो था विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न के अंदर बदलना। आज हम मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न के अंदर बदलना का अभ्यास करेंगे। जैसे मैंने कल बताया था आपको, ये छोटे छोटे सवाल है, यही छोटे सवाल जब कोई बड़े सवालों को हल करते हैं तो उनके अंदर पहले इन्हीं चीजों को हल करना अनिवार्य होता है। जब तक आप इनको हल नहीं करोगे तब तक आपका सवाल आगे नहीं बढ़ेगा। तो मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलने के लिए आपको क्या करना है वो ध्यान से बोर्ड पर देखना है और एक समझना है। जैसे कि एक मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलने के लिए एक मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलने के लिए मिश्रित भिन्न में दी गई पूर्ण संख्या को दी गई पूर्ण संख्या को हर से गुणा करके उसमें अंश की संख्या को जोड़ देते हैं। यानी किसी भी मिश्रित भिन्न को अगर हम विषम भिन्न के अंदर चेंज करते हैं तो क्या ध्यान रखना है इसमें, आपको इसमें दी गई पूर्ण संख्या को सबसे पहले आपको हर से गुणा करनी है। क्या करनी है? हर संख्या से गुणा करनी है और गुणा करके उसमें अंश की संख्या को जोड़ देते हैं। अपूर्ण संख्या को हर से गुणा करके उसके अंदर अंश की संख्या को जोड़ देते हैं। तो इसके अंदर जो हमारा सूत्र बनता है वो है विषम संख्या बराबर, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो पूर्ण संख्या दे रखी होगी उसको हम हर से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? पूर्ण संख्या को हर से गुणा कर देंगे। फिर उसके अंदर हम अंश की संख्या को जोड़ देंगे और बट्टा नीचे जो हर संख्या रहेगी वो संख्या अपने स्थान पर रह जाएगी। तो आपको इस सूत्र का विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलने के लिए हम सबसे पहले दी गई संख्या जो पूर्ण संख्या है उसको हम हर से गुणा करेंगे और हर से गुणा करने के बाद उसके अंदर अंश को जोड़ देंगे और हर संख्या अपने स्थान पर ही रहेगी। अब इसी को हम सवाल के द्वारा समझने का अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण नंबर एक, संख्या मैंने ली मान लीजिए 2 3/4, तो ये आपकी मिश्रित भिन्न है। क्या है? मिश्रित भिन्न है।
अब जैसे मैंने संख्या लिखी यहाँ पे, यह सूत्र लिखा मैंने, पूर्ण संख्या इंटू हर प्लस अंश फिर बट्टा हर। तो इसी सूत्र को ध्यान में रखते हुए आपको इसको हल करना है। जैसे आपको क्या ज्ञात करना है, विषम भिन्न। तो विषम भिन्न का जैसे सूत्र था, पूर्ण संख्या इंटू हर, यानी इन दोनों की गुणा, फिर प्लस अंश फिर बट्टा हर। अब देखिए सबसे पहले जैसे ये संख्या है दो साइड तीन बटा चार, तो ये जो दो आपको दे रखा है ये क्या है, आपकी पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या। ये जो चार आपको दे रखा है ये है आपका हर, और ये जो तीन है ये है आपका अंश। यानी सही की जो संख्या दे रखी हो वो पूर्ण संख्या, अंश हर आपको पता है ही, बस प्रत्येक सूत्र के अंदर उन संख्याओं को उनके स्थान पर रखना है और गुणा करके उसको जोड़ना है। तो सबसे पहले पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कितनी है हमारी, दो, ये दो लिख दिया। अब हर, हर कितना है हमारे पास, चार, तो दो इंटू चार इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब इसके अंदर जोड़ना क्या है, अंश, अंश कितना है हमारा इसमें, तीन, तो ये लिख दिया तीन। अब बट्टा हर अपने स्थान पर चार। अब चार को पहले दो से क्या करनी है, गुणा, तो दो को चार से गुणा करेंगे तब चार दूनी आठ, कितना हुआ, चार दूनी आठ। अब इस आठ के अंदर अंश की संख्या जोड़ेंगे, तीन बट्टे चार। अब आठ के अंदर तीन जोड़ना है, तो आठ के बाद में नौ दस ग्यारह, यानी ग्यारह बट्टे चार, जो कि आपका उत्तर है। अब इस उदाहरण की तरह आप किसी भी मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न के अंदर बदल सकते हैं। जैसे हम एक अन्य उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए मैंने संख्या लिखी आठ साई पांच बटा तीन, आठ सही पांच बटा तीन। तो करने का तरीका आपके सामने है, सबसे पहले विषम भिन्न जो आपको ज्ञात करनी है, विषम भिन्न सूत्र आप सीख चुके होंगे, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या इंटू हर, इसमें जोड़ना है क्या है आपको, अंश को, इसको जोड़ना है अंश को, बट्टा हर। अब इसके अंदर आपकी पूर्ण संख्या कितनी है, आठ, गुणा किससे करनी है, हर से, तो हर संख्या कितनी है, तीन, इन दोनों की तो हो गई आपके गुणा। अब इसमें जोड़ना क्या है, अंश, अंश कितना है आपके पास में, पांच बट्टा। अब हर, हर अपने स्थान पर ही रहेगा, हर कितना है, तीन। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, पूर्ण संख्या को हर से गुणा, तो आठ इंटू तीन, आठ एकम आठ, आठ दूनी सोलह, आठ दिया चौबीस, प्लस पांच बट्टा तीन। 24 के अंदर 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 29 बटा 3, और ये आपका उत्तर है। अब इसी प्रकार से जो भी हमने दो उदाहरण किए हैं, आप किसी भी विषम संख्या को, सॉरी किसी भी मिश्रित भिन्न को आप विषम भिन्न के अंदर आसानी के साथ बदल सकते हैं। इनको पढ़िए, इनको बार बार अभ्यास कीजिए, आप स्वयं संख्या बनाइए और उनको हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।